हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिस एग्ज़ाम के बारे में। तो अप्रेंटिस एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, और कितने समय बाद, लगभग हमारे अप्रेंटिस कंप्लीट होने के कितने समय बाद हमारा अप्रेंटिस एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे, और सर्टिफिकेट हमें कब तक मिल जाएगा, इन सब की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अप्रेंटिस के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है तो आपका एग्ज़ाम जो है लगभग कभी कभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कोई फिक्स नहीं रहता है, 1 साल भी हो सकता है, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। लेकिन इसके पहले आपका जो है प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। यदि आपने जिस भी ट्रेड से आपका प्रैक्टिकल जो आपने ट्रेड आपने जो की हुई है उससे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। जैसे आपने फिटर से लिया है तो आपके फिटर से संबंधित बातों को पूछा जाएगा, जो आपको वहाँ पे सिखाया गया है उन्हीं बातों को पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थी मेरी और SNT डिपार्टमेंट से मैंने किया था, तो वही उसी से संबंधित जो भी मोटर्स वगैरह होती थी, जो हम रेल के जो टर्न करने के लिए जो यूज़ करते हैं मोटर्स डिफरेंट टाइप्स, और जो लोकेशन बॉक्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में वहाँ देखते थे करते थे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, ये सब जो है हमारे वहाँ के जो है DST एक अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो है हमारा प्रैक्टिकल लिया गया था। तो ये तो हुई हमारी प्रैक्टिकल की बात। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होने से पहले आपका प्रैक्टिकल जो है कंडक्ट कर हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपने जहाँ से किया है वहाँ पर आप बताइए कि आप हमारे प्रैक्टिकल के जो है नंबर आप चढ़ा देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने से पहले ये सब जो है प्रैक्टिकल हो जाने चाहिए आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका होता है एग्ज़ाम, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होती है, लगभग 1 साल का समय भी हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो आप तैयारी करते रहिए थोड़ा बहुत। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो आपने जिस ट्रेड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब कि आपने जिस ट्रेड से ITI किया है उसी ट्रेड से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपने फिटर से किया है तो आपसे फिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेंटर से किया है तो पेंटर से पूछे जाएंगे। नॉर्मली तौर पर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं, एक अच्छा विद्यार्थी जो हमेशा ITI गया हुआ है बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेगा। और लगभग कुछ 2-4-5 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टेढ़े होते हैं, वो बाकी सभी से नहीं बनते हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सभी से नहीं बनेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है। आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको 30 या 40 क्वेश्चन भी आप अगर सही कर लेते हैं तो आप जो है अप्रेंटिस क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब बात का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे विश्वास के साथ आपको टिक लगाना है, और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग जो है अप्रेंटिस में पास होंगे, और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट पाकर जो है आप भी एक गवर्नमेंट जॉब पाने के जो है हकदार बनेंगे। जैसे ही आप अप्रेंटिस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट का आप किसी भी जॉब नोटिफिकेशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट यदि फेल हो जाता है या किसी अन्य कारण से दे नहीं पाता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है कि आप जो है आपके बाद जो एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं स्टूडेंट्स अप्रेंटिस का, आप उनके साथ अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तो आपको भी उनके साथ जो है एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाता है। और जैसा मैं जानता हूँ कि आपको लगभग 2 से 3 बार, यदि आप ज़्यादा ही वीक हैं तो आपको 2 से 3 बार जो है अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है। तो आज हमने जो प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के बारे में हमने जो बात की, तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।